आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, जनता को विश्वास है इंडिया गठबंधन देश को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी बीमारियों से मुक्त करेगा। इंडिया अलायंस एक बहुत ही फॉर्मिडेबल चैलेंजर है आज की जो सरकार है उसके लिए, और खास तौर पे देश की जनता, 135 करोड़ आबादी भारत देश की, इस इंडिया अलायंस की छतरी के भीतर समा जाती है। इंडिया अलायंस एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसा परिवार है जिसमें अन्य राज्यों से आने वाले नेता, राजनीतिक दल, अन्य संस्कृति भाषा को रिप्रेजेंट करने वाले लोग सब एकजुट होकर एक उन सब का एक संगम बनता है। और देश की जनता को इंडिया अलायंस से बहुत उम्मीदें हैं। आज की जो सरकार है उसने भारत देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरीके की बीमारियां लगा दी, रोग लगा दिया इस देश। इंडिया अलायंस से लोगों की उम्मीद है कि इंडिया अलायंस इन रोगों से भारत देश की मुक्ति कराएगा, निजात दिलाएगा और भारत को फिर से प्रगति की राह पर, उन्नति की राह पर आगे ले चलेगा। इसीलिए लोग बड़ी उम्मीद से इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के नेताओं की ओर देख रहे हैं। हमारी पहली बैठक पटना में हुई जिसमें साथ आने का एक विचार बना, एक दृढ़ संकल्प सबने मिलकर लिया कि साथ आएंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। बेंगलुरु की जो बैठक हुई उसमें इस अलायंस के स्वरूप पर चर्चा हुई, इसका नामकरण हुआ और इंडिया अलायंस नाम का एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बना। और आज थर्ड फेज की जो बैठक मुंबई में शुरू हो रही है, इसमें आगे का क्या एजेंडा होगा, क्या हमारे मुद्दे होंगे, हम लोगों तक वो मुद्दे कैसे लेकर जाएंगे, आने वाले समय का कैंपेन कैसे चलेगा, उन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा अवश्य होगी। और एक बात जरूर है कि जैसे हमने देखा कि इस देश में पहले भी एक बार 1977 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मोर्चा बना, अलायंस बना, और उस अलायंस में देश की जनता साथ आई और उस समय की सरकार को इलेक्शन में हराया, ऐसा ही कुछ आज के दौर में हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, लोग देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए साथ आ रहे हैं। और साथ आकर एक अहंकारी हिटलर शाही से चलने वाली सरकार को अवश्य हार मिलेगी और देश की जनता अवश्य जीतेगी। आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर, हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियां लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया सबसे नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। और आप देखिए रोज हर प्रकार से बीजेपी यही प्रयास करती है कि अलायंस फेल हो जाए। कभी कोई मनगढ़ंत आरोप लगा देगी, कभी ये शगुफा फैला देगी कि इस अलायंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, न जाने क्या क्या फैला देते हैं। लेकिन हम सब ये बात समझते हैं और देश की जनता भी ये बात समझती है कि बीजेपी तो हर संभव कोशिश करेगी कि अलायंस फेल हो जाए, लेकिन ये अलायंस फेल होने वाला नहीं है क्योंकि ये अलायंस सिर्फ 4-10-50 नेता जो उस कमरे में बैठे हैं उनका अलायंस नहीं है। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। वो आबादी साथ आई है, पूरा देश साथ आया है और उस 135 करोड़ आबादी का एक ही लक्ष्य है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारा खर्चा बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली, बड़े बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा। इन सारी समस्याओं का, रोजमर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से इंसान जूझता है, उन समस्याओं का हल चाहिए।